चैनल पहाड़ी ब्यूटी। गाइस आज की इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको अपनी नाइट क्रीम को एक हफ्ते के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट क्रीम को एक हफ्ते के लिए अलविदा कह सकते हैं तो ही आप मेरा ये वाला वीडियो देखेगा, क्योंकि गाइस मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको नाइट में क्या करना है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको फॉलो भी करना पड़ेगा टिप्स, तभी आपको पता चलेगा कि वो टिप्स जो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो वर्क करती है या नहीं। तो गाइस मैं ज़्यादा आप लोगों को घुमाती नहीं हूँ, मैं सीधे बता देती हूँ। मैं बात करने वाली हूँ आज ऑयल के बारे में, और वो भी आमंड ऑयल के बारे में जो कि है 100% प्योर, और वो बादाम ऑयल है दोस्तों रोगन बादाम सीड। गाइज अगर आप नाइट में सिर्फ 5 बूंदे या 3 बूंदे भी रोगन बादाम सीरम की यूज़ करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और आपकी नाइट क्रीम जितना काम नहीं कर पाती ना उससे कई गुना ज़्यादा ये रोगन बादाम सीरम आपके ऊपर काम करेगा। तो अब मैं आपको रोगन बादाम सीरम के कुछ फ़ायदे बताने वाली हूँ और इसे कैसे कैसे यूज़ करना है और ये क्या क्या काम करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बनी रहिए मेरे साथ और मेरा वीडियो पूरा वॉच कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली लाइक कर लीजिएगा दोस्तों, और अपनी प्यारी प्यारी बातों को कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑयल, जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, वो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि उनकी ऑयली स्किन है तो वो ऑयल को अपने फेस पे नहीं लगा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप अपने स्किन पे लगा सकते हैं, और मेरी भी ऑयली स्किन है और मैं भी इसे नाइट में यूज़ कर रही हूँ और मुझे भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, आपने मुझे पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है, और आपकी अगर झाइयों की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे फेस पे झाइयाँ नहीं है तो उस रेमेडी को अगर मैं अपने फेस पे ट्राई करती तो मुझे उसका उतना इफेक्ट नहीं दिखता, तो इसीलिए मैंने उस रेमेडी को अपनी फ्रेंड को ट्राई करने के लिए दिया हुआ है। एंड एक हफ्ते के बाद मैं आपको उसका रिजल्ट बताऊँगी, और उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगी। जो बादाम का तेल होता है ना, वो हमारे स्किन को फ्लॉलेस बनाने में और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बादाम के तेल में होता है विटामिन ई और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, इससे हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो बादाम का तेल होता है वो हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करने में भी काफ़ी है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मेकअप को रिमूव कर सकते हैं बादाम तेल से। और क्योंकि मैंने ज़्यादा मेकअप तो कुछ किया हुआ है नहीं, मैंने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया है सिर्फ, और थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा लगाया हुआ आईलाइनर, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं अपने कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया हुआ है। तो मैं बस इसी को रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। उसके लिए आपको लेना है कॉटन पैड और उसमें लगा लेना है आपको आमंड ऑयल। तो मैं इस कॉटन पैड में थोड़ा सा आमंड ऑयल ले रही हूँ कि गाइस मैंने सॉरी लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है, तो मैंने ये ले लिया है। और अब मैं इसे अपनी स्किन पे जो भी मेरा थोड़ा बहुत मेकअप है एंड डस्ट वगैरह जो भी है तो उस चीज़ को रिमूव करूँगी आमंड ऑयल से। तो गाइस आप अच्छी तरीके से इससे अपने जो भी मेकअप आपने किया हुआ है उसे क्लीन कर लीजिए। मेरे फेस पे ज़्यादा मेकअप है ही नहीं तो इसलिए ज़्यादा कॉटन पैड पे भी नहीं आएगा, एंड बस मेरा जो काजल आईलाइनर है एंड लिपस्टिक है वही सब निकाला मैंने, तो बस हो गया अभी। एंड इसके बाद आप थोड़ा सा 2 बूंद और ले लीजिए आमंड ऑयल की, और उसे अपनी हथेलियों में अच्छी तरीके से थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और उसके बाद आपको लगाना है उसे अपने पूरे फेस पर, और पूरे फेस पर लगा के थोड़ा सा आप उसे मसाज कर लीजिए। गाइस बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको, और सिर्फ एक हफ्ता आप इसे यूज़ करके तो देखिए, एंड उसके बाद उसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। तो इसे अच्छी तरीके से लगा लीजिए अपने फेस पर। दोस्तों बादाम का तेल जो होता है ना, वो हमारे स्किन से फाइन लाइंस को भी रिमूव करता है, और हमारे जो फेस में रिंकल्स पड़ जाते हैं ना उसको मिटाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसलिए गाइस आप इसे अच्छी तरीके से लगा लीजिए। एंड थर्ड स्टेप आपको करना है, थोड़ा सा फिर से 1 बूंद आप और ले लीजिए बादाम तेल की, एंड उसको अपने फिंगर्स के टिप पे लगा के अपने डार्क सर्कल पे लगा लीजिए, और थोड़ा सा डार्क सर्कल पे भी मसाज कर लीजिए, इससे आपके डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे। एंड एक हफ्ते में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र तो ज़रूर आएगा, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ डेफ़िनेटली आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद गाइस आप थोड़ा सा इसे अपने लिप्स पे लगा लीजिए, ताकि आपके लिप्स का जो एरिया होता है ना थोड़ा डार्क हो जाते हैं आपके लिप्स, तो वो इसको भी ठीक करेगा और आपकी लिप्स को स्मूथ बनाएगा।
एंड गाइस इसे आप अपने आईलेसेस पे एंड अपने आईब्रोज पे भी लगा लीजिए। और गाइस अब मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ हेयर ग्रोथ पैक, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप उस हेयर ग्रोथ के बारे में जान सकें। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड बटन को क्लिक करके, एंड छोटी सी जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड